तो दोस्तों कैसे हो आप सब, आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। तो दोस्तों फिर भी जिस तरह मकर पर्व के लिए स्टेटस को देखा है, इस तरह स्टेटस आप भी बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखें। बहुत सिंपल है स्टेटस को बनाना, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगता है, खराब लगता है, कमेंट भी कर दीजिए। और वीडियो बनाने में कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो फोटो पिन जो कुछ मैं यूज करने वाला हूँ सभी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और जो मैं इफेक्ट फोन ब्लैक स्क्रीन वीडियो यूज करने वाला हूँ सभी चीज़ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेटस को बनाने के लिए एलाइड मोशन ऐप को ओपन करना पड़ेगा, तो मैं एलाइड मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मैं लाइट मोशन ऐप को ओपन कर लिया हूँ। तो अभी लाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना, और लाइट मोशन मैंने को तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा। और ये जो सॉन्ग बीट मार्क और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है, ये दोनों प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और देखो यहाँ पर जो सॉन्ग बीट मार्क है, ये सॉन्ग बीट मार्क को ओपन कर लेना। तो सॉन्ग बीट मार्क में आने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह आपको सॉन्ग बीट मार्क में देखने को मिल जाएगा। देखो फर्स्ट में कुछ इस तरह देख सकते हो, आपको दो लिरिक्स देखने को मिल जाएगा। और जो बीट है, ये बीट में आपको लिरिक्स ऐड करना पड़ेगा, और दो बीट में आपको लिरिक्स ऐड करना नहीं पड़ेगा। उस बीट में म्यूजिक है तो उसमें आप लोग अपना नाम डाल देना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो बीट है, ये बीट में आपको आना पड़ेगा। और ये बीट में आने के बाद दोस्तों जिस फोटो पर आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को यहाँ पर ऐड करना है। तो फोटो ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आपको आना है, और जिस फोटो पर आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को यहाँ पर ऐड करना है। तो देखो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ये वाला फोटो को मैं ऐड कर लिया हूँ। तो फोटो को ऐड करने के बाद फोटो को ऐसे करके फुल स्क्रीन कर लेना। फुल स्क्रीन करने के बाद एकदम लास्ट में आना होगा, ये जो ऑप्शन है पर टच करना होगा, तो ऐसे कर लेना। और ऐसे करने के बाद फोटो को ऐड कर लेना। उसके बाद फिर से ये बीट में आना है, प्लस ऑप्शन को टच करना, ये रेक्टेंगल को ऐड कर लेना। ऐसे करके आपको फुल स्क्रीन करना है ये रेक्टेंगल को कलर एंड, तो ऐसे करके देखो एडिट कर लेना। और जो डॉट है, ये डॉट को ऐसे करके मतलब रोटेट करके एडिट करना पड़ेगा, देखो कुछ इस तरह करके। तो ऐसे कर लेना, और ऐसे करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो व्हाइट कलर का जो बॉक्स है यहाँ पर टच करना होगा, बीच वाला ऑप्शन को टच करना होगा, और इसको ऐसे करके ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह करके एडिट कर लेना, और एडिट करने के बाद दोस्तों एक बार बैक हो जाना, एकदम लास्ट में आना पड़ेगा, ये जो ऑप्शन है पर टच कर देना। तो ऐसे कर लेना, और नीचे एक शैडो ऐड कर लेना। तो ऐसे करने के बाद दोस्तों तो आप एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड करेंगे, तो ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आना होगा। और देखो ये वाला जो ब्लैक स्क्रीन वीडियो है, ये वीडियो को मैं पहले भी यूज कर चुका हूँ, अगर आपके पास है तो डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा, नहीं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लेना। और ये वाला ब्लैक स्क्रीन वीडियो को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद दोस्तों ये लेयर को टच करना है, एकदम लास्ट में आना है, और देखो लास्ट तक ये जो लेयर है वो आया नहीं, तो एकदम लास्ट में आ जाना, टाइमर ऑप्शन को टच करना है, और ये वाला ऑप्शन को टच कर देना, तो इसका जो लेयर है एकदम एंड तक आ जाएगा। देखो तो एक बार बैक हो जाना, ब्लेंडिंग ओपेसिटी ऑप्शन में आ जाना, लाइटिंग ऑप्शन में आके स्क्रीन कर देना। तो देखो कुछ इस तरह आपको ब्लैक स्क्रीन वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा कर लेना, और ऐसा करने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पर जो ब्लैक शैडो है, ये ब्लैक शैडो को ये ब्लैक स्क्रीन वीडियो के ऊपर रख देना। और ऐसे कहने के बाद देखो यहाँ पर जो बीट है, ये बीट में आपको लिरिक्स ऐड करना पड़ेगा, तो ये बीट में लिरिक्स ऐड करने के लिए आपको सॉन्ग को प्ले करके सुनना पड़ेगा। तो आप मैं सुना देता हूँ, देखो तो सॉन्ग को सुनने के बाद दोस्तों ये बीट में आ जाना, प्लस ऑप्शन को टच करना, डबल एट टेक्स्ट में आ जाना, और इधर से सॉन्ग लिरिक्स को लिख लेना। मेरा पहले से लिखा है देखो, तो फर्स्ट लाइन को कॉपी कर लेना, और ये जो लिरिक्स है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उधर से कॉपी करके नोटपैड ऐप में पेस्ट करके रख लेना। ऐसे करके फर्स्ट लाइन को कॉपी कर लेना, और मोशन में फिर से आ जाना, लाइट मोशन में आने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर लेना। पेस्ट करने को देखो ये वाला ऑप्शन को टच करना है, और रेगुलर ऑप्शन में आना है, और ये वाला फोन को सिलेक्ट कर लेना। जो फोन है ये फोन मैं कल भी यूज कर चुका हूँ, मतलब यूज किया था, अगर आपके पास है तो डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा, नहीं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और ये जो साइज है, साइज को अपने हिसाब से रख लेना, और जो बॉक्स यहाँ पर टच करना है, और व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों दो बार टिक ऑप्शन को टिक करना है, मूव एंड ट्रांसफर में आपको आना है, और नीचे यहाँ पर आपको रखना है जहाँ पर रखना चाहते हो, और एक बार बैक होना है, एकदम लास्ट में आना है,
ये ऑप्शन है पर टच करना है, और ये जो बीट है ये बीट के हिसाब से आपको मिडल कट करना है। ये लेयर को देखो, लिरिक्स लेयर को ऐसे करके मिडल कट कर लेना, और दो जगह पर आपको लिरिक्स ऐड करना नहीं पड़ेगा। उस जगह पर आप लोग अपना चैनल नाम दे देना, तो सॉन्ग को प्ले करके आप लोग सुन लेना तो समझ में आ जाओगे। तो देखो फर्स्ट जो लाइन है वो तो हमारा ऐड हो चुका है, तो सेकंड लाइन लिखने के लिए सॉन्ग को दोबारा प्ले करके आपको सुनना पड़ेगा। तो देखो मैं आपको सुना देता हूँ। तो सॉन्ग को सुनने के बाद ये लेयर को टच करना, डबल एट टेक्स्ट में आपको आना है, और ऐसे करके ये लाइन को हटाना है, उसके फिर से नोट पैड में आपको आना है, और सेकंड जो लाइन है वो कॉपी करना है, उसके बाद फिर से लाइट मोशन में आपको आना है, और यहाँ पर पेस्ट करना है, और कुछ भी छेड़खानी नहीं करना, खाली ऊपर टिक करना है। तो ऐसे करके आप लोग लिरिक्स को लिख लेना, और लिरिक्स ऐड करना हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखो जो फोटो है मेन फोटो, इसमें इफेक्ट ऐड करेंगे। तो फोटो में इफेक्ट ऐड करने के लिए एक बार बैक हो जाना, और यहाँ पर जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसमें आ जाना, यहाँ पर जो फोटो है फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आना, सीरोड को टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों बैक हो जाना, सॉन्ग बीट मार्क में आपको आना पड़ेगा, और यहाँ पर जो देखो फोटो है फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में जाना, सीरोड को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो फोटो में देखो कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो आप लिरिक्स में इफेक्ट ऐड करेंगे, तो लिरिक्स में इफेक्ट ऐड करने के लिए और एक बार बैक हो जाना, इफेक्ट प्रोजेक्ट में आपको आना पड़ेगा। यहाँ पर जो मेरा नाम का जो लेयर है ये लेयर को आपको टच करना है, इफेक्ट ऑप्शन में आना है, लोड को टच करके कॉपी इफेक्ट करना है। उसके बाद बैक हो जाना है, और यहाँ पर जो सॉन्ग बीट मार्क है इसमें फिर से आपको आना है, और देखो जो लिरिक्स है इसमें आपको इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा। तो ये लेयर में इफेक्ट ऐड करने के लिए लिरिक्स लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, लोड को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो ऐसे करके यहाँ पर जो लिरिक्स है इसमें इफेक्ट को ऐड कर लेना, और इफेक्ट ऐड करना मतलब ऐसे करके लास्ट तक इफेक्ट को ऐड कर लेना, और इफेक्ट ऐड करना कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर जो बीट है ये फर्स्ट में आपको आना है, प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आपको आना है, और ये वाला जो पिंज बॉर्डर है, ये वाला पिंज बॉर्डर को आपको ऐड कर लेना है, ऐड कर लेना है, और लास्ट में आपको आना है जो ऑप्शन है पर टच करना। तो ऐसा करके आपको ये बॉर्डर को ऐड करना है। उसको देखो यहाँ पर जो बीट है ये बीट में आपको और एक वीडियो ऐड करना है, तो उसके लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आना है, और ये वाला वीडियो को ऐड करना है। तो ये जो वीडियो है ये वीडियो मैं बहुत बार यूज किया हूँ, अगर आपके पास है तो डाउनलोड करना नहीं होगा, नहीं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लेना। ये ब्लैक स्क्रीन वीडियो को ऐड करने के बाद ये लेयर को टच करना है, ब्लेंडिंग ओपेसिटी ऑप्शन में आना है, लाइटिंग ऑप्शन में आके स्क्रीन करना है, और ये बॉर्डर को फिर से ऐसे करके ऊपर कर देना। तो कुछ इस तरह आपको फास्ट में इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। देखो तो ऐसा करके लोग ये स्टेटस को बना लेना, और स्टेटस बनाना कंप्लीट हो जाने के बाद ये वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन को टच करना है, और इधर से वीडियो को सेव कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।